सभी को नमस्कार, मैं हूं सुभाष। आपका फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। और बहुत अच्छा मौसम है, पीछे आप देख सकते हो जो पक्षियां वो अपने चहचहाने की आवाज़ से अपना आनंदित बना रही हैं इस मौसम को और ज़्यादा। और हवा चल रही है, अभी रिसेंटली बारिश हुई है। मैं एक मैंगो के गार्डन में बैठा हुआ हूँ। पीछे मैंने बताया था हमारी देवी माँ हैं और उनकी चमुंडा बनी हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा, सारिका शर्मा जी कुछ बोल रही हैं। सारिका शर्मा ने किसी कमेंट पर अपनी राय व्यक्त की है। सारिका शर्मा बोल रही हैं, सर मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मेरे हस्बैंड लास्ट ईयर एक्सपायर हुए हैं और मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रही थी। आपकी वजह से मैं डिप्रेशन से बाहर आई हूँ, थैंक यू सो मच। तो ये सवाल था उनका, तो मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करना चाहिए। ऐसे आप बहुत सारे लोग हैं जो बिना वजह के अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, जिस वजह से उनका आपसे कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने कई वीडियो में आपको बताया, देखिए हम किसी की डेथ के जिम्मेदार नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो। बहुत सारी लेडी ऐसी हैं जो इस दौर में या कहूँ कि इस गलफत में फंसी हुई हैं कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि समाज ने ऐसा थोप रखा है कि आप हो तो आपकी वजह से आप अपशगुन हो, आप ऐसी हो वैसी हो करके। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कई वीडियो में ये प्रूव कर चुका हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो जैसा आया वो ऐसे ही आएगा। अगर आपको पहले पता होता है कि आपके हस्बैंड जाने वाले होते या 10 साल के बाद में या 20 साल के बाद में आपकी शादी के बाद में, तो आप उनके साथ क्यों आते, लॉजिकली बात है। लेकिन आपको भी तो एक उस चीज़ में रखा गया, क्योंकि नेचर चाहता है कि ये चीज़ें पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो आप पहले दिन यहाँ से भाग लोगे या चीज़ों को जो अपने कार्मिक अकाउंट उनको मेंटेन करने से मना कर दोगे। तो ये चीज़ें ऐसे बनाई जाती हैं। तो इस बारे में प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए, कौन क्या सोचता है कैसे सोचता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने अपना ग्रेटिट्यूड हमारे लिए पास करा, और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी अपना ग्रेटिट्यूड पास करें कि हमें पता तो लगे कि हम कितने लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। हम बस इतना और कहना चाहूँगा कि जो भी इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि प्लीज़ करके अपने इस स्टेज का मिसयूज मत कीजिएगा, उन लोगों को सही में ठहराने की वो मत कीजिएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी रिसेंटली सुनी है, कुछ पर्सन से देखा भी है कि क्या करते हैं कि लोग मिसयूज करना स्टार्ट कर रहे हैं इन चीज़ों का कि अब तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अभी तो मेरे पास में स्पेस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो लोग क्या सोचते हैं कि अब मैं फ्री हूँ, मेरे हिसाब से चलूँगी। ऐसा नहीं। अगर जब आप ऐसा करते हो तो समाज को बोलने के लिए एक वजह देते हो, तो हमें वजह नहीं देनी है, हमें अपने आप को प्रूव करना है कि आई एम द दिस और मेरी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं अकेले भी रह सकती हूँ। अगर मुझे किसी साथी की भी ज़रूरत है तो फिर भी मैं इस हिसाब से ठीक हिसाब से रह सकती हूँ। तो इसलिए अपने आप को कुछ भी गलत नहीं करना है। एक सामाजिक तौर पर जो हम समाज के बीच में रहते हैं, गलत चीज़ों को हमें नहीं थोपने देना और अच्छी चीज़ों को हमें मानना है, तभी एक प्रॉपर समाज बनता है, तभी हम एक अच्छे हिसाब से एक स्पिरिचुअल पर्सन कहलाए जा सकते हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए सारी चीज़ों को अपने हिसाब से कर लेंगे तो वो राइट वे नहीं हो सकता, इतना मैं कह सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच सारिका जी, आपने हमारे साथ में अपने ग्रेटिट्यूड को पास किया। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारे इन सारी चीज़ों से मदद मिली है, और उसमें से आप एक हो। और जो दूसरे लोग हैं, आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो कि मेरी वीडियो ने जब से आपने देखना स्टार्ट किया है, हमारे इस चैनल ने आपकी किस हिसाब से मदद की है। और वो मदद ऐसी मदद है, इतना मैं जानता हूँ कि आप किसी कोई पैसा दे के या उसका कोई मोल लगा के उसको वो नहीं कर सकते, यानी कि एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको तोल नहीं सकते कि ये लो सर इतना पैसा आपने हमारा ये कर दिया, आपकी वजह से हम ऐसे हो गए। ये बस एक वो है कि एक इनर फीलिंग्स है आपके लिए मेरी और आपने जो मेरे लिए रखी हुई है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, और नेचर ने मुझे ऐसा रखा हुआ है और उसके आगे कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे वेट रहेगा दूसरे लोगों का ग्रेटिट्यूड देखने के लिए कि जो भी लोगों की मैं मदद कर सकता हूँ। और बाकी लोग जो भी इंस्टाग्राम पर अभी तक नहीं है, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।